हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपका यूनिट फर्स्ट जो था Q4 क्वेश्चंस, जिसकी एक्टिविटी फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 जो है जिसका नाम क्या है, फास्ट फिंगर फर्स्ट। जैसे आपको पता है फास्ट यानी कि जल्दी से, फिंगर मतलब क्या होता है उंगली, एंड फर्स्ट यानी कि पहले कौन मूवी करेगा, यानी कि यहाँ पर एक क्या है कॉम्पिटिशन है। कौन से एक स्कूल जिसका नाम क्या है स्मिथ विद्यालय, स्मिथ विद्यालय के अंदर क्या है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रतियोगिता। क्या प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बना रखे, आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ क्या है पार्टिसिपेंट यानी कि प्रतिभागी, जो इस प्रोग्राम के अंदर क्या करने वाले हैं, भाग लेने वाले। यहाँ पर कुछ 9 जो है पार्टिसिपेंट है, परंतु यहाँ पर मैंने कुछ 4 पार्टिसिपेंट बनाए। यहाँ पर 9 क्या है हमारे पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स के अलावा कुछ क्या है एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपर्ट का मतलब होता है जिसे सब चीजों की क्या हो जानकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं एक्सपर्ट। ओके, यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस के लिए कुछ टाइमिंग होगा, 3 सेकंड्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो ना, उसके अंदर कैसा होता है। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते, फिर टिक 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 चलती है, कुछ घड़ी चलती है, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर स्मिथ विद्यालय के अंदर ही ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट है और जो पार्टिसिपेट है उसको क्या करना, एक्सपर्ट जो क्वेश्चन पूछेगा उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, और जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो उसको टिक टिक स्टार्ट हो जाएगी, और उस स्टार्टिंग में उसको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे हम क्विज को कॉम्पिटिशन करते हैं स्कूल के अंदर, करते हैं नहीं करते, बिल्कुल वैसा ही ये कॉम्पिटिशन कहाँ पर है, स्मिथ विद्यालय के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे पूरा, और उससे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स है, इस हार्ड वर्ड्स को हमको पढ़ना है, शब्दार्थ जो हमारे चैप्टर में हमें काफी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक। जब फाइनली जब पूरा हमारा हो जाता है उसके बाद लास्ट जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल प्रोग्राम यानी कि वार्षिक महोत्सव। एंड नेक्स्ट है कंपटीशन, जैसे अभी बात कर रहे हैं कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता जिसमें स्पर्धा होती है नहीं होती दोनों के बीच में। एंड नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतिभागी, जो उसमें भाग लेने वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं उसको। एंड नेक्स्ट स्टार्ट नाउ, शुरू करो, जैसे भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैसे क्या है, स्टार्ट नाउ का मतलब शुरू करो। नाउ मीन्स क्या होता है, अभी। अरेंज करना, जैसे मैं आपको बहुत सारी चीजें दूं मैं आपको बोलो अरेंज करो, अरेंज मीन्स क्या होता है, उसको क्रम में रखना। एंड नेक्स्ट हु मीन्स कौन, फिक्स मतलब क्या होता है, जल्दी से फटाफट, ESC लगाया है, ये डिग्री मैंने पढ़ाई है आपको। नेक्स्ट वेलकम मतलब क्या होता है, स्वागत करना। एंड नेक्स्ट लकी मतलब क्या होता है, किस्मत वाला, बोलते आई एम वेरी लकी, क्या है मैं बहुत किस्मत वाला। नेक्स्ट वांट इसका होता है जो चाहना, क्लियर। एंड नेक्स्ट गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार इनाम। विच मतलब कौन सा, सी मतलब क्या होता है, समुद्र। एंड नेक्स्ट है स्कॉलरशिप का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, छात्रवृत्ति। इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया कि जो बच्चा क्या होगा जीतेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे, स्कॉलरशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति के अंदर बच्चों को क्या दिया जाता है, मनी दिया जाता है यानी कि पैसे दिए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इस प्रोग्राम के अंदर हमको क्या प्राइज मिलेगा अगर हम जीतेंगे। तो हेल्पलाइंस, यहाँ पर कुछ क्या है हेल्पलाइंस, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 हेल्पलाइन दे रखी है, ये 3 हेल्पलाइंस दे रखी है जिसमें देखो फर्स्ट हेल्पलाइंस है हेलो, हेलो यानी किसी को फोन लगा के आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हेल्पलाइंस होगा है एक्सपर्ट एडवाइस, आप किसी से एक्सपर्ट से क्या कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। एंड थर्ड जो है ऑडियंस कॉल, यहाँ पर ऑडियंस कॉल ना होकर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट सपोर्ट, यानी कि विद्यार्थियों से भी आप क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो। ये 3 क्या है हमारी हेल्पलाइंस। ओके, तो जो बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा उसको ये 3 हेल्पलाइंस क्या करेगी, मदद करेगी। ओके, वापस आ जाते हैं शब्दार्थ पर। रोड मतलब क्या होता है, लिखना। जब हम कुछ राइट का सेकेंड फॉर्म है रोड, रोड मतलब लिखना। एंड शो मतलब क्या होता है, देखो। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर, लेट्स स्टार्ट।
एक्टिविटी फोर जिसका नाम क्या है, फास्ट फिंगर फर्स्ट। मैंने अभी जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया था इसका नाम, फास्ट मतलब क्या होता है, जल्दी से, फिंगर मतलब क्या होता है, उंगली, और फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहले। तो यस, हम रीड करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, विकास, हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरी वन। विकास जो है वो क्या बोल रहे हैं, हेलो। जब हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम हम किसको क्या बोलते हैं, हेलो। एंड अगर टाइम अगर हमारा मॉर्निंग चल रहा तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो विकास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरी वन, आप सबका क्या है, स्वागत है। हु से, विकास। टुडे एट आवर स्मिथ विद्यालय वी हैव द फोर्थ एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेंट्स। वी हैव द फोर्थ एनुअल, यानी कि यह आज हम यहाँ पर क्या कहें, चौथा एनुअल। एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक। वार्षिक स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्या होता है, होशियार बच्चे होते हैं ना, होशियार बच्चे, उनके कॉन्टेंट्स यानी कि उनके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, प्रतियोगिता लेकर आए हैं। अवर इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। अवर, अवर मतलब क्या होता है, हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर जो है वो क्या है, मिस्टर परमार। मिस्टर परमार जो है इज द होस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। आज के जो होस्ट है, होस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जो इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करता है, पूरे प्रोग्राम में जो बताता है कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला, तो ये सारी बातें जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। एंड विथ हिम, मिस्टर परमार जो है, जो हमारे इंग्लिश के टीचर है, वो आज के प्रोग्राम की क्या है, होस्ट है। जैसे आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है तो आपके स्कूल में भी टीचर होस्ट बनते हैं ना, प्रोग्राम का पूरा बताते हैं आपके सामने ब्यूरो। द स्कॉरर इज अ मिस्टर ब्राइट हिज अमन लैपटॉप। और आज के जो स्कॉरर है, स्कॉरर मतलब जो सारे मार्क्स देने वाले, नंबरिंग देने वाले, वो कौन है, मिस्टर ब्राइट हिज अवन लैपटॉप। वो अपने लैपटॉप में क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग मतलब नंबरिंग देंगे। अवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट। और हमारे स्कूल के जो कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, कौन, मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट। आज के जो एक्सपर्ट है, जैसा अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में बताया था, एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, जिसे हर चीज़ की क्या हो, जानकारी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट है वो है मिस्टर शर्मा, और जो हॉस्ट है इस प्रोग्राम के वो कौन है, मिस्टर परमार, और स्कोरिंग करने वाले कौन है, मिस्टर ब्राइट। क्लियर। टुडे वी हैव 9 कॉन्टेंट्स। यहाँ पर टुडे यानी कि आज के दिन हमारे पास कितने, 9 यानी कि 9 लोग क्या है, पार्टिसिपेट यानी कि प्रतिभागी है। दे हैव अ कंप्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने क्या रखा, द फ्रंट, फ्रंट मतलब क्या होता है बेटा, सामने, सामने की तरफ क्या रखा है, कंप्यूटर स्क्रीन। सबको पता है ना, जैसे हमने कौन बने करोड़पति में देखते, उनके सामने कंप्यूटर रखे होते, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेट्स हैं यानी कि जो कॉन्टेंट्स हैं, उनके सामने क्या रखे गए हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन से। All of us are is eagerly is awaiting her the smart show, let's not waste time। सभी लोग बहुत ही जल्दी में है, वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रोग्राम क्या हो, स्टार्ट हो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। होता है ना, हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, हमें ऐसा जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेट्स है यानी कि जो है 9 प्रतिभागी है, वो भी क्या करेगी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद ना हो। यस, मिस्टर परमार जो क्या है, हमारे इस प्रोग्राम के हॉस्ट। थैंक यू विकास, विकास ने सब चीज़ें हमको बताई, तो विकास को क्या बोले, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। हे एवरीवन, वेलकम अगेन एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हे, सबको मेरा, एवरीवन यानी कि सभी को, वेलकम, वेलकम आप सभी का फिर से क्या है, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। एंड ऑल द बेस्ट, आप सभी को बेस्ट विशेस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कॉन्टेंट्स यानी कि जितने भी प्रतिभागी थे वो क्या बोल रहे, थैंक यू सर। अगर आपको कोई ऑल द बेस्ट बोलता तो हम थैंक यू बोलते, बिल्कुल हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेट्स है उन्होंने भी क्या बोला, थैंक यू सर। मिस्टर परमार, द फर्स्ट राउंड इज अ फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। ओके, द फर्स्ट राउंड यानी कि जो पहला राउंड है, राउंड मतलब सबसे पहले जो है वो कौन सा है बच्चों, फास्ट फिंगर फर्स्ट, ये राउंड है। रेडी, आप सब तैयार हो, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर, you will get a maximum 7 seconds. The contents with the quickest finger will come to this smart seat. ये कहा गया है कि मैं आपसे, I will give you questions, मैं आपसे क्या करूँगा, एक questions
पूछूंगा ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पर एक क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यू विल गेट अ मैक्सिमम, आपके पास कितने सेकंड है, 7 सेकंड। उस 7 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना। द कॉन्टेंट्स विथ इज क्विकेस्ट फिंगर, आपको जल्दी से क्या करना है, अपनी फिंगर यानी कि आपको जो राइट है उस पर क्या करना है, फिंगर को यानी कि उंगली को दबाना है। अगर आप वेलकम टू दिस स्मार्ट सीट, अगर आप सही, अगर आपका सही रहा तो आप क्या हो जाओगे, स्मार्ट सीट पर। आपको पता है ना, उसमें से जो अच्छा आंसर देता वही जाकर कहाँ बैठता है, स्मार्ट सीट पर बैठता है। यू टाइम स्टार्ट नाउ, उन्होंने क्या बोला, जैसे ही अगर तुम सही दोगे तुम स्मार्ट सीट पर बैठ सकते हो। यू टाइम स्टार्ट नाउ, अब तुम्हारा टाइम क्या होता है, स्टार्ट होता है यानी कि शुरू होता है। अब देखो कंप्यूटर के फ्रंट पर एक क्वेश्चन आया है, देखते क्वेश्चन क्या था। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस। क्या बोला है बच्चों कि यहाँ पर एक अरेंज करना है, अरेंज करना मतलब क्रम में लगाना है। यहाँ पर बहुत सारे क्या दे रखी है, वर्ड्स दे रखी है, उन वर्ड्स के जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर के आधार पर आपको क्या करना है, इसको सही अरेंज करना है। और अरेंज करने पर क्या बनना चाहिए, एक सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, एक वाक्य बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे, द फर्स्ट वर्ड यानी कि ए है बेस्ट, बी है फ्रेंड्स, एंड थर्ड क्या है, सी जो है हमारा ट्रीज, एंड फोर्थ क्या है आर, एंड ई क्या है आवर। अब आप देखिए इसको अरेंज करिए, जल्दी से अरेंज करिए, तो क्या अरेंज होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रीज क्या है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कॉन्टेस्ट सेलेक्ट दिस आंसर, द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर था, ये पहले से मतलब आपको पता है, उनको पता होता, वो हमको बता देते पहले स्क्रीन पर कि ये है। अब देखते हैं जो हमारे पार्टिसिपेट्स है क्या वो सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट, मिस्टर परमार, ओके द टाइम इज अप, आपका समय क्या होता है, खत्म होता है। लेट्स सी, चलो देखते हैं, हु इज द क्विकेस्ट यानी कि कौन है जिसने जल्दी से क्या दिया है आंसर, एंड शी इज नंदिता गोसाई, और वो कौन है, नंदिता गोसाई। शी टुक ओनली 3 सेकंड्स, उसने ये आंसर ओनली कितने सेकंड्स में दे दिया, 3 सेकंड्स में। वेलकम नंदिता, कम टू द स्मार्ट सीट, आपका स्वागत है नंदिता, कहां पर, स्मार्ट सीट पर, आओ स्मार्ट सीट पर। नंदिता, ओ थैंक यू सर, आई एम सो लकी। नंदिता ने क्या बोला, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ही क्या हूँ, लकी हूँ। मिस्टर परमा, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। नंदिता, यस सर, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। यस सर, हाँ मैं तैयार हूँ, बट मतलब परंतु, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मुझे आपसे कुछ क्या करना है, बोलना है, कुछ बोलना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस, तो मिस्टर परमार, यस या श्योर, हाँ बोल सकती हूँ। नंदिता, सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट रीच हियर। क्या बोला, लास्ट ईयर यानी कि लास्ट जो बीत गया है उस साल मैंने बहुत क्या किया था, ट्राइड यानी कि बहुत कोशिश की थी, परंतु मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। रीच मतलब क्या होता, पहुँच नहीं पाई थी। मिस्टर परमार, राइट, यू हैव अ गॉट अ चांस। यस, बिल्कुल सही है, यू हैव अ गॉट चांस, इस बार तुम्हें क्या मिला है, चांस मिला है। चांस मिलता है ना उनको लाइफ में हमेशा। ओके, नाउ लेट्स हैव द रूल्स। चलो मैं आपको क्या बता देता हूँ, इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स बता दो। रूल्स मतलब क्या होता है बच्चों, नियम को बताता। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट, एंड द 6 करेक्ट आंसर विल गेट यू अ स्कॉलरशिप। क्या बोला कि मैं आपसे 6 प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने उन 6 प्रश्न के उत्तर सही दिए, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के आपने उत्तर सही दिए, तो अगर हर प्रश्न के उत्तर के बाद को तो आपको क्या मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मतलब क्या होगा, एक उपहार मिलेगा। और अगर आपने 6 के 6 प्रश्न अगर सही दे दिए तो आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब क्या होता है, छात्रवृत्ति मिलेगी। यू विल गेट इज 200 एवरी मंथ, और स्कॉलरशिप में आपको क्या मिलेगा, हर महीने 200 रुपये को मिलेंगे। हियर इज मिस टिक टिक, ये क्या है, यहां पर देखो ये कौन है हमारी, मिस टिक टिक। टिक 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 मतलब क्या होता है बच्चों, वॉच, घड़ी। इट विल गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिनट मिलेगा, 1 मिनट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में 1 मिनट मिलेगा। देयर आर द 3 हेल्पलाइंस, और आपके लिए 3 हेल्पलाइंस है। हेल्पलाइंस मतलब क्या होती है, मददगार। यू कैन यूज एनी 2
ऑफ देम, तुम इनमें से कोई दो को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यानी कि उपयोग कर सकते हो। रेडी यानी कि तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर थ्री हेल्पलाइंस जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी आपको बताई थी, द फर्स्ट हेलो हेल्पलाइंस एंड सेकेंड एक्सपर्ट एडवाइस एंड थर्ड स्टूडेंट सपोर्ट। नंदिता यस सर, रेडी सर ने बोला ना, रेडी यानी कि तैयार हो। नंदिता ने बोला यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। हु रोट द पोयम इज द ग्रामिता, हियर आर द ऑप्शन। यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सी किसने ये पोयम लिखी है, ग्राम माता जो है पोयम वो किसने लिखी है। फर्स्ट कश्यंदन मनायक ने, या काल्पी ने, या उमाशंकर जोशी ने, या प्रेमानंद ने। तो यहाँ पर हमारी नंदिता सर इट इज़ अ बी राइट। यहाँ पर जो उसे बताया कि काल्पी जो है वो बिल्कुल क्या है, मतलब ये उन्होंने मतलब उसने चॉइस किया, किसको चॉइस किया बच्चों, इट इज़ अ बी। तो उसने क्या बोला, बी वाला जो है वो। मिस्टर परमार आर यू श्योर, क्या तुम्हें बिल्कुल श्योर हो इस चीज़ से। नंदिता यस सर। मिस्टर परमार इज इट योर फाइनल को फिक्स, यानी कि तुम लास्ट में यही कहोगी बी को, सही बी के साथ जाना चाहोगी। नंदिता यस सर। मिस्टर परमार सो लेट्स सी, चलो देखते हैं। मिस्टर ब्राइट प्लीज शो द राइट आंसर, कंप्यूटर शोज द आंसर। मिस्टर ब्राइट जो हमारे यहाँ पर कौन थे, स्कॉलर थे, उन्होंने ये बोला गया कि प्लीज शो द राइट आंसर, सही जो उत्तर है वो बताइए, कंप्यूटर पर शो कीजिए। एंड यस यू आर राइट, इट इज़ अ बी, यू विन द फर्स्ट गिफ्ट। काल्पी रॉट दिस गुजराती पोयम, तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल, तुमने जो बी ऑप्शन सुना है वो बिल्कुल ही क्या है, सही, और तुम फर्स्ट गिफ्ट को क्या हो जाती हो, जीत जाती हो। नेक्स्ट मिस्टर परमा नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अब तुम्हारे सामने क्या है सेकेंड क्वेश्चन, अब इसके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन विच सी टच गुजरात, कौन सा जो समुद्र है, समुद्र के कौन सा वो भाग है जो क्या कर रहे हैं, टच कर रहा है यानी कि छू रहा है किसको, गुजरात को। ऑप्शन ए द अरेबियन सी, सेकंड द एरल सी, द रेड सी, द येलो सी। नंदी द ओ आई एम कंफ्यूज इट मी बाय आइदर बी एंड सी, मैं बहुत क्या हो गई हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूज होना यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बी को राइट करो या सी को, क्योंकि दोनों में मुझे दुविधा हो रही है कि मेरे को बी सही है या सी है। मिस्टर परमार मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट, मिस्टर परमार ने कहा कि जल्दी से बताओ क्योंकि टिक टिक क्या है, बहुत ही फास्ट चल रही। इफ़ यू आर नॉट श्योर, क्या तुम श्योर नहीं हो कि बी आएगा या सी आएगा, यू हैव अ हेल्पलाइन, तुम हेल्पलाइन ले सकती हो। नंदिता यस सर हेल्पलाइन, प्लीज आई वॉन्ट टू टैग हेलो हेल्प, आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी। यस सर मैं हेल्पलाइन लेना पसंद करूँगी, कृपया करके आई वॉन्ट टू टेक, मुझे कौन सी हेलो हेल्पलाइन चाहिए, आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी, मुझे अपनी आंटी से क्या करवा दो, बात करवा दो, मैं अपनी आंटी से बात करना चाहती हूँ, कॉल कर दीजिए। मिस्टर परमार ओके, मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप, मिस टिक टिक को क्या बोला, स्टॉप हो जाओ यानी कि प्लीज स्टॉप हो जाओ। नंदिता डायल द नंबर एंड नंदिता डायल्स द नंबर, नंदिता ने क्या किया अपनी आंटी को क्या लगा दिया, कॉल लगाया। नंदिता हेलो आंटी, नंदिता ने बोला हेलो आंटी, आंटी ने बोला यस। नंदिता हेलो आंटी आई एम नंदिता, I am participating in the smart students of school contents. Hello auntie, मैं नंदिता, मैंने क्या किया है प्रतियोगिता में भाग लिया है, कौन से स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल यानी कि होशियार विद्यार्थियों के रूप में मैंने क्या किया है प्रतिभागी, प्रतियोगिता में क्या है प्रतिभागी के रूप में क्या किया है पार्टिसिपेट किया। आई वॉन्ट टू योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता या मदद की ज़रूरत है, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। आई एम एट सेकेंड क्वेश्चन, मेरा कौन सा सेकेंड क्वेश्चन, एंड आई हैव ओनली वन मिनट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है ओनली वन मिनट। माई टाइम विल स्टार्ट वैन आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन, मैं आपसे क्या करूँ, मेरा समय शुरू हो चुका है, मैं आपसे क्या करूँगी, पूछूंगी क्या प्रश्न को पूछूंगी। ओके मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है। आंटी ओके नंदू आई एम रेडी, नंदू ने क्या मतलब, आंटी ने बोला ओके नंदू, नंदू यहाँ पर नंदिता का नाम है, प्यार से बुलाया है। आई एम रेडी, आंटी ने बोला मैं तैयार हूँ। टेल मी यानी कि बोलो। नंदिता विच सी टचेस द गुजरात, कौन सा है जो गुजरात को टच करता है। ऑप्शन ए द अरेबियन सी, सेकेंड द एरियल सी, सी द रेड सी, एंड द लास्ट जो है द येलो सी। आंटी आई थिंक इट्स ए और बी, आई थिंक मुझे लगता है कि ए और बी दोनों में से क्या है ए के अंत। नंदिता फास्ट आंटी फास्ट, जल्दी से बताओ क्या है। आंटी ओके यू हैव अ
टू चॉइस ए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मतलब आपको क्या करना चाहिए, ए के साथ जाना चाहिए। ये किसने बोला, आंटी ने, एंड फोन क्या हो जाता है, कट। नंदिता, ओ आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, आंटी ने क्या बताया था, ऑप्शन ए के साथ जाने के लिए कहा था। मिस्टर परमार, मिस टिक टिक इज गोइंग, गिव मी योर फाइनल फिक्स। मिस्टर परमार नंदिता को बोल रहे हैं कि टिक टिक क्या हो गया, स्टार्ट हो गई है और फटाक से जल्दी से आपको फाइनल फिक्स यानी कि जो फाइनल उत्तर है वो आपको देना होगा। नंदिता, सर माय फाइनल फिक्स इज ए, मेरा सही उत्तर क्या है, ए। मिस्टर परमार, ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, चलो मिस्टर ब्राइट से पूछते। कंप्यूटर शोज द आंसर एंड यस यूर आंटी इज राइट, यू विन इज अनादर गिफ्ट। कंप्यूटर ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपकी आंटी ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया था और आप यू विन अनादर गिफ्ट, आप दूसरा प्राइज भी जीत गए हैं। कौन जीत गया यहाँ पर, नंदिता। नंदिता, ओ आई कैन नॉट बिलीव दिस, मुझे बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू सर, थैंक यू आंटी, धन्यवाद सर, धन्यवाद आंटी। मिस्टर परमार, ओके नंदिता कीप इट अप, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। आफ्टर दिस मिस टिक टिक इट विल नॉट डिस्टर्ब यू, अब आपको मिस्टर टिक टिक क्या करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी यानी कि परेशान नहीं करेगी। आपको पता है ना, पहले मैं तो टिक टिक के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा था, परंतु अब टिक टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, अब आपके फ्रंट यानी कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। द थर्ड क्वेश्चन, The amount of water flowing into the tongue doubles every minute the tongue is full in an hour when was this tongue is half full। क्या बोला है कि जो जो टैंक होता है, टैंक मतलब समझते हो ना आप लोग, उसके पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो जब वो मतलब कितने टाइम में ये टंक पूरा क्या हो जाएगा, फुल भर जाएगा, और साथ ही बताना कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब पूरा टंक भरने के बाद कितने मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, आधा पानी भरेगा इसके अंदर। तो नंदिता, आई नो द आंसर इज इट्स 59 मिनट्स, मुझे पता है ये क्या है, 59 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिस्टर परमार, यस यू आर द क्विट राइट, बिल्कुल तुमने सही बोला। नंदिता, यू विन अनादर गिफ्ट, नंदिता तुम फिर से एक गिफ्ट जीत गई हो। नाउ यू आर द फ्री फ्रॉम द मिस टिक टिक, तुम्हें पता है ना कि तुम अब मिस टिक टिक से क्या हो, एकदम फ्री। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू द ऑडियंस, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ऑडियंस, ऑडियंस यानी कि जो भी जितने लोग वहां बैठे हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑडियंस। ऑडियंस आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। नंदिता इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, नंदिता क्या है, एक अच्छी क्या है, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी, हॉकी की खिलाड़ी। सी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, इन्होंने क्या किया था, लास्ट जो इंटर स्कूल प्रोग्राम हुआ था उस टूर्नामेंट के अंदर, हॉकी के अंदर इन्होंने क्या किया था, अवार्ड भी जीता था। लेट्स क्लैप फॉर दैट, इनके लिए जोर से क्या हो जानी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। नंदिता, थैंक यू सर। मिस्टर मेहता, ओके लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आता है। विच गैस डू ट्रीज ब्रीथ इन, कौन सी गैस है जो क्या करता है, पेड़ जो है ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। नंदिता, आई थिंक इट इज़ अ बी, मैंने क्या बोला कि आई थिंक यानी कि बिल्कुल मेरे को लगता है कि क्या आना चाहिए, बी। मिस्टर परमार, इज दैट योर फाइनल आंसर, क्या ये आपका फाइनल उत्तर है। नंदिता, यस सर आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी, मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगी। मिस्टर परमार, लेट्स सी, उप्स दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये आपका क्या है, गलत उत्तर है। यू लूज द गेम, द करेक्ट आंसर इज ए, आपने गलत उत्तर दिया क्योंकि इसका सही उत्तर जो होता है वो कौन सा था, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए राइट था। नंदिता, ओ मिस्टर परमार, डोंट वरी, चिंता मत करो, वेल प्लेड। नंदिता, टास्क टेक यूर सीट नाउ, अनादर कॉन्टेस्ट किप्स यूर फिंगर ऑन द बजर, डोंट वरी, चिंता मत करो, वेल प्ले, तुमने बहुत अच्छा खेला नंदिता, टेक यूर सीट यानी कि अपनी सीट पर जाओ। नाउ अनादर कॉन्टेस्ट यानी कि अब नेक्स्ट जो अनादर यानी कि दूसरे जो प्रतिभागी है वो क्या करे, किप यूर फिंगर, अपने फिंगर को क्या करे, ऑन द बजर, बजर यानी कि आपको पता है ना जहाँ पर बजाया जाता है बजर, उनके पास एक बजर होता है, वहाँ पर अपनी फिंगर को रखो। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फास्ट फिंगर फर्स्ट, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, राउंड कौन सा है, फास्ट फिंगर फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से यहाँ पर फास्ट फिंगर फर्स्ट के द्वारा स्कूल के अंदर क्या आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से स्कूल के अंदर, स्मिथ विद्यालय के अंदर, और वहाँ पर जो क्लेवर यानी कि जो होशियार बच्चे थे उन्होंने कैसे अच्छे से आंसर दिया, और हमारी जो नंदिता थी वो क्या हो गई,
क्वेश्चंस में अच्छे से उसने आंसर दिया. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.